600 रुपए का सिलेंडर था, आज 1110 रुपए का हो रहा। बिजली का बिल जान का बा छुट्टी का है, और के का कर रहे हैं सिलेंडर 1200-1300 का सिलेंडर भर का, बच्चा न खड़ा का माप खावा। बारिशा में बहुत परेशान हो, आज छता चीवा कोई कच्चे मकान है, कच्चे अजी बाले वाले मारी नहीं, कोई सरपंच भी सुनता यहाँ का कोई भी नहीं सुनता, लोग तो सुख नींदा सो मम रात नु रोका काटा मारे तो कलोनी अभी फैल कर दी लोगों नु आंदे आंदे फार्म ना बंद करवा दी। नहीं मोदी साहब कह रहे हैं मैंने मतलब सभी को पक्के मकान बना दिए लेंटर वाले आके देख ले एक बर्गर बाले छता जी। राशन कार्ड भी वो भी कट गए। अच्छा राशन कार्ड कट गया, ये बिल फिर आप भर नहीं सकते हैं? बहुत औखा भर नहीं सकती मैं, पोचे झाड़ू लगा के कर लेंगे से दो चार फिर तार जाएंगे और के कराने का सब पतों ने बिड़ना पड़ेगा। पीका गुटी गप्पे मारा को नहीं दर्द, गप्पे नहीं मारता मैं सही जी। मंत्री संदीप सिंह ने काफी कार्य करवाए हैं, अभी तक कार्य भी चल रहे हैं, गाँव में किसी को पूछ सकते हो सारी गलियां बनने लग रही है। अभी एक पानी की समस्या दीजिए, लिख के दिए एक दो दिन में बोर पास हो जाएगा। अभी टॉयलेट है वो साफ सफाई है वहाँ पे जी? कोई साफ करता ही नहीं, उन्हें ऐसे गंद पड़ जाता है। करते क्यों नहीं? बात पता नहीं किस तरह कर रहे हैं। क्यों आप बच्चे को आप ये देखिए, ये बच्चा है झूठ तो नहीं बोल रहा, आप इसको रोक क्यों रहे हो बोलने से? ये सफाई करता ना इसलिए। ऐसी कोई बात नहीं है समझे, मैं वहीं कर्मचारी हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ वहाँ। जब से सरकार चल रही है ना तो कोई सुविधा हमारी, सैलरी है 6-6 महीने नहीं मिलती, क्या 2-3 हजार रुपये है, है? उसके सब चुनाव होंगे जो केंद्र सरकार है उसके, तो आप यहाँ के जो लोग हैं ज्यादातर किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? पंखे आए हैं वो ना हल्के हल्के चलते हैं, हवा भी नहीं देते। और गर्मी लगती है स्कूल में? हाँ। अच्छा तो दोस्तों सत श्री अकाल, मैं हूँ मनजीत और आप देख रहे हो जीत न्यूज। लोकसभा के चुनाव हैं जो, वो अब उनका बिगुल बज चुका है और कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर करेंगे और उसका आज से हम सर्वे शुरू कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी का ये सतोड़ा गांव है, सतोड़ा गांव के अंदर हम इस समय मौजूद हैं और केंद्र सरकार के जो केंद्र के चुनाव होने हैं और जो लोकसभा के चुनाव होने हैं तो उसके बारे में लोगों से राय जानेंगे कि क्या कुछ इनको सहूलियत दी है पिछली सरकार ने, जिसके जिसको सोच करके इन्होंने वोट दी थी, सरकार को चुना था अभी मोदी सरकार की जो केंद्र के अंदर सरकार चल रहा है। तो आपके जो सरकार से आप लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्या आप गैस जो जो हाँ जी मिली नहीं है? अच्छा मिली नहीं। तो क्या आपको जो सिलेंडर मिल रहा है गैस सिलेंडर जिस कीमत में मिल रहा है वो महंगा पड़ रहा? अच्छा बहुत। उसके लिए आपके पास पैसे? तो हम लाकड़ी चुक के गुजारा कर लेते थे। अच्छा सही बोलूंगा, सिलेंडर जो के पैसे नहीं है, गरीबी है जी, हम बस्ती में रहते हैं थोड़ा बस्ती में। हाँ जी बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो जा जो चीज आपने सोच के सरकार को चुना था क्या वो उस पर पूरी उतरी है सरकार? कोई नहीं जी। हाँ जी कोई नहीं उतर रहा जी, ना सफाई हो रही ना कुछ हो रहा, ठीक है ना, ना कोई कानूनी है। पहले से भी बुरा हाल हो, 600 रुपए का सिलेंडर था, आज 1110 रुपए का हो रहा। अच्छा ठीक है, उसमें तो क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे, सस्ता करेंगे? हाँ जी सरकार ने सिलेंडर महंगा कर रखा है, गरीबों से नहीं भराया जा रहा, बाकी विकास कार्य स्टेट सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा हाँ, बाकी कलोनी कलानी नहीं आई है, वो आ जाएंगी कह रहे हैं, बाकी अब बस्ती में काफी विकास काम होया है, नालियां का भी होने जा रहा है, बोर होने जा रहा है, काफी बेटर होया थोड़ा अब। अच्छा अब बेटर होया कोई काम है। कुछ माताएं खड़ी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी माता जी, गैस माता सारी है क्या ही सब? हाँ जी बिजली का बिल जान का बा छुट्टी का। अच्छा है, और के का कर रहे हैं सिलेंडर 1200-1300 का सिलेंडर भर का, बच्चा न खड़ावा का माप खावा, दिहाड़ी नहीं बेचारा ने डाल सा। बहुत परेशान हो, अजी छता चीवा कच्चे मकान है, कच्चे अजी बाले वाले मारी नहीं, कोई सरपंच भी सुनता यहाँ का कोई भी नहीं सुनता, लोग तो सुख नींदा सो मम रात नु रोका काटा मारे तो कलोनी अभी फैल कर दी लोगों नु आंदे आंदे फार्म ना बंद करवा दिए। नहीं मोदी साहब कह रहे हैं मैंने मतलब सभी को पक्के मकान बना दिए लेंटर वाले आके देख ले एक बर्गर बाले वाले छता जी, बेड़े भी देख ले मर तो। अच्छा। ये हमारे मेंबर साहब खड़े चेयरमैन ये बनाया था, मर तो बुरा हाल है जी, एक बार आप घर आके देख ले एक मिनट।
कोई नहीं, इसके विजुअल साथ के साथ चल रहे हैं आपके मकान के जो आप बोल रहे हो। ठीक है जी। तो ये हाँ जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हो जी, जो मोदी सरकार अब चल रही, जो मतलब केंद्र सरकार काम कर रही है, उनसे आप कितना खुश हो, चाहे वो बिजली के बिल हो या फिर गैस सिलेंडर हो या पेट्रोल डीजल का रेट हो, तो क्या कुछ आप सड़क रास्तों से कितने संतुष्ट हो आप? नहीं, सरकार बहुत अच्छी है जी। अच्छा, जितने भी काम और अच्छे हो रहे हैं। अच्छा जी, बाकी जो रह रहे काम हो उन्होंने बोला है सब हो जाएंगे, बाकी थोड़ा रास्ता है हमारा, रास्ता थोड़ा पक्का हो जाए। अच्छा, इस पर ब्लॉक या कोई इसको रास्ता को चौड़ा किया जाए थोड़ा। अच्छा, क्यों आने जाने में बहुत दिक्कत है। तो मतलब जैसे अच्छे काम आपको कौन कौन से काम है जो अच्छे लगे हैं? अच्छे लगे हैं जी, यानी कि जिनके पास जो है हमारे यहाँ गलियों गलियों का काम है अभी, गलियों की नालियों बहुत अच्छा नहीं है, और हमारा नाला पानी हम पीवा ड्रेन का पानी नहीं आता, रास्ता हमारा बिल्कुल खराब है। आपको जो पेट्रोल डीजल या कोई और महंगाई है वो आपको परेशान कर रही है या आपका जीवन सुखमय तरीके से चल रहा है? ना जी, डीजल बहुत महंगा है, बिल बहुत आ रहे हैं, और अपना पानी का भी समस्या है, हमारे को सफाई नहीं है यहाँ कोई भी, जिस सफाई वाला आदमी है उसको बोलते हैं वो लगाता ही नहीं है झाड़ू। अच्छा, बहुत दिक्कत है हमारे को, यहाँ सिलेंडर भी बहुत महंगे हैं। अच्छा, राशन कार्ड भी वो भी कट गए। अच्छा, राशन कार्ड कट गए। हाँ जी, राशन कार्ड कितने के लोगों के कटे हैं यहाँ पर? हाँ जी, मेरे भी कटे हो गए। आपके भी? हाँ जी, आपका ये डॉक्यूमेंट देखो जी। कट रहे हैं राशन कार्ड आपके? क्या क्या कमी बताई है इसमें? आमदनी ज्यादा लिख रखी थी। अच्छा अच्छा, ये आमदनी ज्यादा है इसमें? हां, इनको आई कट तो भाई, इनको अगले महीना बन जाएगा आगे पता। अच्छा, आगे माने से कीन गोनी हल्की गड़ी। अच्छा। हर बिल देख जो आज कितना आया। अरे वो तो आ रहा, वो इसने ना इतना थोड़ी ये करा, ये पोछे झाड़ू। अच्छा, ये बिल फिर आप भर नहीं सकते हैं? बहुत ओखा भर नहीं सकती मैं, पोछे झाड़ू लगा के। क्या काम करते हो आप? पोछे झाड़ू। अच्छा, गांव के अंदर? गांव के अंदर। अच्छा, अस नहीं होए, बीमार बहुत ज्यादा होए हैं अभी, मैं तारे नहीं सकती, बिल बहुत औखा। नहीं, तारी दिहाड़ी करके तार देंगे यार। हाँ जी, दिहाड़ी कर लेंगे किसी का, दो चार फिर तार देंगे, और केक रन का सब पतों ने बिड़ना पड़ेगा। पीका घुटी गप्पे मारा को नहीं करता, नहीं मारता, मैं सही कह रहा हूँ। सही है बात जो कहनी, मुफर को नहीं करता कुछ भी, परेशान कर रखे हैं यार। फिर ये तो सही कह रहा है, उतारने तो पड़ेंगे, कैसे कैसे उतारे, जो समस्या मनना है इसने को नहीं। अच्छा, हाँ मनना आप दुख है रमा आप, तो ये समस्या है। तो ये देखिए जी, बिजली के आएंगे तो मीटर ले जाएंगे तार के। तो बिजली के बिल की समस्या जो वो यहाँ पर लगातार बताई जा रही है, और अगर हम बात करें शिक्षा के स्तर की, आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई आपकी सही तरीके से हो रही है? बच्चे कोई स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं यहाँ पर? कितना कहा था, गोड़े गोड़े कहा था। तो अब यहाँ से सब चुनाव होंगे इसके, मतलब मोदी सरकार जो केंद्र सरकार है उसके, तो आप यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? हाँ जी, किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे यहाँ के लोग? जो अपने काम करेंगे उसी को वोट देंगे जी हम। अच्छा, हाँ जी। तो इसको कांग्रेस को या बीजेपी को? नहीं, जो से हमारे काम करेंगे उसी को देंगे जी, जैसे भी काम, जैसी सरकार जी अब ये काम कर रही है इसको देंगे जी। या कांग्रेस हो या आम पार्टी हो, जो काम करेंगे हमारे सुविधा करेंगे तो उसकी वोटा हम पहले भी दी है इसको, मोदी को वोटा आप भी जो हमारे सुधार करेगा तो। अच्छा, हाँ जी करेंगे, जो काम आपको बताए हैं अगर इनका सुधार हो गया तो दे देंगे। हाँ जी, जरूर देंगे वोटा। अच्छा, पहले भी वोटा बनाए हैं, ताकि तो बनी सरकार वोटा। कितने वो ये जो काम बता रहे हो आप, सिलेंडर महंगा बता रहे हो? हाँ जी, ये कितने का होना चाहिए? ये कम से कम 500-550 तक तो होना चाहिए, गरीब बंदे हैं, ज्यादा 600 तक हो। अच्छा, 500-600 का सिलेंडर हो गया। हाँ जी, और डीजल का रेट पेट्रोल का आप तो 100 रुपये के आसपास है, वो भी चल ज्यादा नहीं, 60-70 तो होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा महंगाई में। फिर दे दोगे मोदी जी को वोट? फिर दे देंगे। बेटे कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सरकारी। यहीं पढ़ते हो? हाँ। तो कितने टीचर हैं आपके स्कूल में? 3-4 है। 4 टीचर है? हाँ। और कितने 8वीं तक का स्कूल है? पक्के पंखे आए हैं, वो ना हल्के हल्के चलते हैं, हवा भी नहीं देते। और गर्मी लगती है स्कूल में? हाँ। अच्छा, तो लाइट लुइट की व्यवस्था ठीक है, मतलब ज्यादा ऐसा तो नहीं होता भाग जाती है बहुत देर? आती नहीं, भाग जाती है, आती नहीं है बहुत देर तो। अच्छा, गर्मी लगती है? हाँ। फिर उसमें गर्मी में पढ़ाई करने में दिक्कत आती होगी? हाँ। अच्छा, जब बारिश बुरिश आती है तो स्कूल में पानी पूनी तो नहीं भरता कोई, ऊपर से तो नहीं चुटता पानी? चुटता है।
अच्छा, और क्या कुछ साफ सफाई वहाँ पर, कबाड़ कितना का है? कबाड़ बहुत ज्यादा है स्कूल में। अच्छा, बहुत ज्यादा है, कितना घास है? देखिए ये है बच्चे, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं और इनको सिखाया भी नहीं जा सकता। पता नहीं कौन किस मजबूरी में किसी को ठीक भी बोल रहा है और किसी को गलत भी बोल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है बच्ची ने जो बात बताई है, इसको गर्मी लगती है स्कूल में पढ़ते हुए, क्योंकि जब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वहाँ पर हमें एसी भी मिलता है, और जो बस यहाँ से जाती है और वो आपके यहीं से ही एसी होता है उसको, जहाँ से बच्चा बैठता है, ठीक है। और हर कोई चाहता है कि एसी तो ना मिले चलो, लेकिन जो पंखा है, कोई कूलर है, वो तो थोड़ा सा बच्चे को मिल जाना चाहिए। और पानी पूनी की व्यवस्था वहाँ ठीक है बेटे? जी तो ठीक है, वो तो वाटर कूलर है, वो भी हल्का चलता है। हाँ जी, उसे भी बंद कर देते हैं, लाइट आ जाती है, वो भी बंद हो जाता है। अच्छा, गर्मी लगती है। अच्छा, पानी गर्म होता है वहाँ स्कूल में पीने का? ठंडा नहीं है? नहीं, लाइट आ जाती है, वाटर कूलर बंद हो जाता है। अच्छा, तो आपके स्कूल के अंदर क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, जो आपको मतलब चाहिए आपको जो सुविधा? हमारा स्कूल आगे आगे तक बनना चाहिए, 12वीं क्लास तक, और क्या नाम वो इन्वर्टर वूटर होना चाहिए ताकि पंखे चल सके, और हमारे स्कूल की सफाई होनी चाहिए, और टीचर आने चाहिए। और अच्छा, और टीचर आने चाहिए और पंखे। देखिए बच्ची ने तो बहुत कुछ बात बोल दी है, मेरे ख्याल में जो असली समस्या है, जो असली डिमांड है, असली चीज़ है, वो तो ये बच्ची मांग रही है। ये तो कोई गली मांग रहा है, कोई नाली मांग रहा है ना। और वॉशरूम वगैरह जो बेटे टॉयलेट है, वो साफ सफाई है वहाँ पे? जी कोई साफ करता ही नहीं, उन्हें ऐसे गंद पड़ रहता है। करता क्यों नहीं? कौन करा? बात पता नहीं किस तरह कर रहे हैं। क्यों आप बच्चे को, आप ये देखिए ये बच्चा है, झूठ तो नहीं बोल रहा, आप इसको रोक क्यों रहे हो बोलने से? ये सफाई करता ना, इसलिए। सफाई नहीं है वहाँ पे जी, घास भी नहीं काटता। ये जो ये हमारे स्कूल को साफ करता है, झाड़ू मारता है हल्का सा और आ जाता है, घास भी नहीं पाड़ता। ठीक है, तो ये देखिए भाई साहब, ये स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी है और इसकी यहीं पर क्लास लग गई तो। और ये, हाँ जी, आपको क्या लगता है स्कूल के अंदर साफ सफाई कैसी? आप नहीं, जाते नहीं सर, सफाई नहीं है पूरी स्कूल में। हाँ जी, नहीं तो देखिए आप ना, सुनचाले में भी सफाई नहीं है। मैं 2-3 बार ये देख चुकी हूँ, सफाई नहीं है सुनचाले में भी। हाँ, वो भी बढ़िया बनने चाहिए। स्कूल की जो छतें हैं वो भी टपकता है उस पर पानी, पंखे भी खराब हो रहे हैं स्कूल के, इन्वर्टर भी खराब हो रहा है। तो क्या लगता है जो बच्ची ने बोला है, क्या उससे कुछ आंखें खुली हैं किसी की? क्योंकि मैं डिमांडे तो पूछ रहा हूँ सर, औरों की खुले ना खुले, मेरे तो खुल गई हैं। पढ़ाई सही है जी, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे। मैं वहीं कर्मचारी हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ वहाँ। और बच्चे जो ना पढ़े तो उनका क्या कसूर है, हैं? और एक हमारी है डिमांड, जब से सरकार चल रही है ना तो कोई सुविधा हमारी, सैलरी है 6-6 महीने नहीं मिलती, क्या 2-3 हज़ार रुपये है? उसके बाद ये भाई 15-16 साल हो गए, ना कोई पक्का की ना खोर, वहीं कच्चे पड़े हैं। तो आपने इसकी समस्या को तो कम बता दिया, पढ़ाई वाली को, और आपने वाली समस्या को ज़्यादा बड़ी नहीं नहीं, नहीं। मैं तो वहाँ रहता हूँ, पढ़ाई है क्यों नहीं है? हाँ जी, अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उसमें क्या? हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे जी, स्कूल के बारे में गए थे आप? आहो, हमारी बहू दावे अड्डा अड्डा घास खड़ा है, पक्का कोई नहीं, सारा कच्चा पड़ा है। अच्छा, अरे क्या करें, 12वीं-13वीं का स्कूल होना चाहिए, छोटे गरीब बच्चे को सरकार में उसमें कुछ कर पड़ा। देखो जो घास कितना खड़ा है, जब न्याणा का सांप लड़ने लाल है उड़ा। और जगह देखो, लोक समिति के मेंबर हैं यहाँ पर, हम इनसे थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। भाई साहब आपका एरिया तो काफी पड़ता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सिंह है। पहले तो मैं जीत न्यूज का सारे दर्शक का धन्यवाद करता हूँ जी। मैं लोग काफी एरिया, ये 4 गाँव से मैं हूँ लोक समिति मेंबर, जमरेडी, थोड़ा मुठथली मेरे फार्म से जी। सारे गाँव में विकास कार्य चल रहा है जी। हाँ जी, आगे पूछो जी आप। अच्छा मंत्री जी, मतलब काम आपने सुन रहा? हाँ जी, श्रीमान जी मंत्री संदीप सिंह ने काफी कार्य करवाए हैं, अभी तक कार्य भी चल रहे हैं गांव में, किसी को पूछ सकते हो। सारी गलियां बनने लग रही हैं, अभी एक पानी की समस्या दीजिए, वो लिख के दिए, 1-2 दिन में बोर पास हो जाएगा, वो भी बनेगा जी। हाँ जी, देखो जी, यहाँ सरपंच तो तभी काम करेगा जी, जो अगर पंचायत फंड होगा जी। यहाँ पंचायती जमीन नहीं है, ना पंचायत के पास कोई फंड है जी, कोई पैसे नहीं, ठीक है जी। अब सरपंच के पास ऊपर सरकार पैसे देगी तो सरपंच लगाएगा, जब सरपंच के पास ही नहीं है तो कुछ सरपंच क्या करेगा? आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार पैसे नहीं दे रही है?
है? नहीं सरकार अब दे रही है, नहीं अब दे रही है फंड, आप कर रहे हैं, चल रहे हैं जी, हर जगह ना आप काम, अब तो ठीक ठाक चल रहा है, सब काम चल रहा है जी। हाँ जी मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, काम अच्छे चल रहे हैं, सारी सड़कें गलियां लग रही हैं, बड़न मिस्त्री लगे हुए हैं जी, आगे ऐसे कार्य करेगा तो मंत्री जी के साथ ही हैं जी। तो ठीक है जी, और ये गांव के लोगों के बारे में जो मतलब इन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं, तो इसके बारे में आप लोगों ने सुना समझा, और आप लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आगे का रुझान है जो वो रहने वाला है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।